पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने आजम खान को कोर्ट से मिली राहत के बाद भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। कमिश्नर मुरादाबाद के बजाय जिलाधिकारी रामपुर से मिलने पहुंचे सपा डेलीगेशन पर सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि आजम खान के साथ जो जाती हुई है वो पूरी दुनिया को पता है। अदालतों से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद थी और अब इंसाफ मिल भी गया है। आजम खान को एक केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया है जिससे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हम ये चाहते हैं कि उनकी सदस्यता के रूप में पुनः विचार किया जाए और आजम खान के साथ इंसाफ हो, क्योंकि एक अधिकारी ने कमिश्नर साहब के खिलाफ गवाही दी है और इल्जाम ये लगाया है कि डीएम साहब ने जबरदस्ती हमसे ये काम कराया था। सांसद जी, आज आपका प्रतिनिधि मंडल आजम खान को लेकर के मुलाकात करने जा रहा है। पहले कमिश्नर से मुलाकात करने जा रहा था, के रामपुर के डीएम का प्रोग्राम है। क्या पूरा प्रोसेस है, क्या पूरा मामला? देखिए, आजम खान साहब के साथ जो सलूक हुआ है वो आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। अदालतों से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद थी और अदालतें अब इंसाफ कर रही हैं। आजम खान साहब को एक केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया जिसमें उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हम ये चाहते हैं कि उनकी सदस्यता के ऊपर पुनर्विचार हो और आजम खान साहब के साथ इंसाफ हो। क्या वजह रही कि पहले मुरादाबाद के कमिश्नर से मुलाकात करने का पूरा प्रोसेस चला था, फिर अचानक से उसको रामपुर के डीएम? देखिए, क्योंकि एक अधिकारी ने हमारे कमिश्नर साहब के खिलाफ गवाही दी और इल्ज़ाम ये लगाया है कि उस वक्त के डीएम साहब ने ज़बरदस्ती हमसे ये काम कराया, तो वो खुद इसमें अगर इन्वॉल्व हो गए तो उनके पास जाने का औचित्य नहीं है। सर, कौन कौन मौजूद रहेगा आपके? एक अधिकारी ने हमारे साथ, हम तीन सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।